الذين أوفوا العهد الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدر جلسہ حضرت قاری صاحب شیخ الحدیث صاحب محترم مدرسہ انوار الاسلام کے مہتمم حضرت مولانا عبدالباقی صاحب و دیگر علماء کرام بزرگان اہل سنت اور عزیزان مکرم میرے میزبان نے آج مجھے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ انشاءاللہ آپ کا بیان 10:15 تک شروع ہو جائے گا اور یہاں حاضری کے بعد جو صورتحال سامنے آئی وہ یہ ہے کہ اس وقت 12 بج چکے جو کچھ میں نے کہنا تھا مجھ سے پہلے مجھ سے بہتر علماء کرام نے اپنے اپنے انداز میں کہہ دیا یہ پروگرام چونکہ ایک دینی ادارہ کی طرف سے انعقاد پذیر ہوا اس ادارہ سے فارغ ہونے والے طلباء کرام انہیں انعامات سے بھی نوازا جا چکا اور ان کے اساتذہ نے ان پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے رسمن دستار فضیلت بھی انہیں بندھوائی ہم ان بچوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اساتذہ کی طرف سے دی گئی امانت کو اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ سنبھال سکیں میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ کراچی جیسے مصروف ترین شہر میں جلسوں میں رات کے 2-2 بج جانا یا 1 بجا دینا سامعین کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ جلسے کے اختتام کے بعد گھر پہنچنے کے لیے کوئی کنونس نہیں ہوتا اور خلافت راشدہ کانفرنس جو پچھلے دنوں ہوئی
उसके इख्तिताम पर बाज हजरात ऐसे भी थे कि जो सुबह की अजान के वक्त घर पहुंचे। खिलाफत राजदा कॉन्फ्रेंस में जिंदा दिलाने कराची ने और सहाबा किराम के सच्चे रजाकारों ने जिस जोश और वलवला के साथ शिरकत की, आप यकीन फरमाइए कि मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया। और जैसा कि मैंने उस दिन कहा था, अल्लाह आपकी इस बेदारी को नजर बद से बचाए। कुरान पाक का जो हिस्सा मैंने आपके सामने अभी अभी तिलावत किया, उसमें अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया कि हमने तुझे ऐसी बात से आगाह कर दिया कि जिसे आप पहले नहीं समझते थे। वलकद औहैना इलैका रूहम मिन अम्रिना, हमने आपकी तरफ अपनी मंशा और अपनी मशीयत वही कर दी। मा कुंत तदरी मल किताब वलल ईमान, जबकि आप नहीं जानते थे मल किताब वलल ईमान कि किताब और ईमान के तकाजे क्या हैं। वलाकिन जालना हो नूरा, लेकिन हमने किताब और ईमान के मफहूम को रोशनी बना के आपके सामने वाजे कर दिया। नादी भी मन नशा मिन इबादिना, हम जिसे चाहते हैं ये नेमत अता करते हैं। अब आपके जिम्मे ये फरीजा है महबूबम कि लतहदी इला सिरात मुस्तकीम, नस्ल इंसानी को सिरात मुस्तकीम पर लगाइए। ये मैंने तकरीबन आपके सामने लफ्जी तर्जमा अर्ज कर दिया। सिराते मुस्तकीम क्या है? हजरत हूद की जुबानी सुनिए, फरमाया इन रब्बी अला सिराति मुस्तकीम, इन रब्बी अला सिराति मुस्तकीम, बेशक मेरा रब सिरात मुस्तकीम पर चलने वालों को मिलता है। हजरत हूद, रब कायनात ने फरमाया इन इब्राहीम कान उम्मतन कानितन लिल्लाह हनीफा ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم। إبراهيم ईसार और कुर्बानी के लिहाज से इतना वसी निकला के पूरी उम्मत भी इब्राहिम के किरदार का मुकाबला नहीं कर सकती।
कान उम्मतन, उसने वफाओं की हद कर दी। कानितल्लाह हनीफ़ वलम यकुन मिनल मुशरिकीन, इब्राहिम ने वफाओं की हद कर दी, उसने अपनी जमीन की न्याजमंदियों में हमारे साथ किसी और को शरीक न किया, उसने मसाइब और मुश्किलात में हमारे सिवा किसी और का नाम न लिया, उसने खलवत और तन्हाई में हमारे सिवा किसी और को मौजूद न समझा। वलम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिर लिअनूमि, हमारी नेमतों पर शुक्र करने वाला हमारा वफादार ईज तबाऊ। तो फिर हमने उन्हें ये इनाम अता किया कि हमने उन्हें अपनी दोस्ती के लिए मुंतखब कर लिया। वहदाऊ इला सिरातिन मुस्तकीम, और सिरात मुस्तकीम की तरफ हमने रहनुमाई कर दी। खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहि तस्लीम, इसी नेमत से नवाजे गए। तीसरे मकाम रब्बे कायनात ने फरमाया यासीन वल कुरान हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम, मेरे पैगंबर हमने आपके सर पर रिसालत का ताज भी सजाया और आपको सिरात मुस्तकीम पर लगा दिया। कराची के दोस्तों, अगर आप इजाजत दें तो कुरान पाक से यह भी पूछ लूं कि इसके मानी क्या है। बेशक बेशक। और मेरी जुबान में नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जुबान में। और ये किसी रावी की बात भी नहीं है, कुरान के लहजे में जनाब ईसा ने सलातुस्सलाम अपनी कौम को खिताब करके फरमाते हैं, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, मेरा और तुम्हारा रब वही है। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, मेरा और तुम्हारा दाता। फाबुदू, बस उसी की ही इबादत करो। हाजा सिरातुम मुस्तकीम। नारे तकबीर अल्लाह। फाबुदू, ये जो हा है ऐसा लजीज हसर है इसमें, ऐसा लजीज हसर है कि अरबी ग्रामर समझने वाले ही इससे लुत्फंदोज हो सकते हैं, बिलखसूस हजरत मौलाना लुत्फुल्ला। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, बेशक अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा दाता है। फाबुदू, बस उसी की ही इबादत करो। यानी बस अल्लाह ही के सजदे करो, अल्लाह ही को हर जगह मौजूद समझो, अल्लाह ही से मदद मांगो, अल्लाह को ही मुश्किल कुशा मानो। हाजा सिरातुम मुस्तकीम। अब एक और मंजर कुरान पाक दिखाता है। फमावम ताजी यौमा अय्युहल मुजरिमून,
मैदान हश्र में जलालत में डूबी हुई खुदा की आवाज आएगी, हुक्म आएगा आज हर जाई एक तरफ, यक जाई एक तरफ, नमक हलाल एक तरफ, नमक हराम एक तरफ, मुझको ही सजदा करने वाले एक तरफ और मुझको भी सजदा करने वाले दूसरी तरफ, मुझे ही मुश्किल कुशा मानने वाले एक तरफ और मुझे भी मुश्किल कुशा मानने वाले एक तरफ, आज निखर जाओ, अलग अलग हो जाओ। वंताजु यौम अय्युहल मुजरिमून, वफादार गद्दार पूरा तकसीम हो जाए, जिन्होंने दुनिया में अपनी जबीन मेरे सिवा किसी और के आगे नहीं झुकाई वो यकजाई एक तरफ हो जाएं, और जिन्होंने जी भर के सबके सजदे किए वो हर जाई एक तरफ हो जाएं। अलम आहद इलैकुम या बनी आदम, ये उस वक्त खिताब होगा जलाल में डूबा हुआ खिताब परवरदिगार आलम का, और उसका एहसान देखिए कि अल्लाह का वो खिताब जो मैदान हश्र में होना है कुरान के वरकों पे वो अब भी नजर आता है, वो हमारे सामने वाजे कर दिया गया है। कहा जाएगा अलम आहद इलैकुम या बनी आदम, ओ नस्ल इंसानी, क्या मैंने तुमसे वादा नहीं ले लिया था कि दुनिया में जाके इबलीस को अपना लीडर न बनाना, आलम बरज़ख में वादा हुआ ना, अलस्तु बिरब्बिकुम, याद है ना, दुनिया में भेजने से पहले औलाद आदम से पूछा खल्लाक आलम ने, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं या नहीं, और मरने के बाद ये लाइफ पीरियड पूरा करने के बाद बरजख की पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही क्या पूछा जाएगा, मन रब्बू का, जरा बताओ ना कि तेरा रब कौन है। और मैं कहा करता हूं पुराने पाक में दो लफ्ज हम वजन आए हैं चाटीवाड़ा के दोस्तों, ये नहीं बस वही पहला ठीक है, चाकीवाड़ा के दोस्तों, अच्छा चलिए वही वो बस वो सब कुछ। मैं कहा करता हूं कि कुरान पाक में दो लफ्ज हम वजन आए हैं, अल्लाह आपको कुरान समझने वाला बना दे, आमीन। हाँ बस कुरान समझते जाइए इंशाअल्लाह, किसे कहानू और टोटकू की मंडी उजड़ती जाएगी, सख्त बेकरार हैं आरती आरती हजरात सख्त बेकरार हैं, और जबान बिगड़ी तो बिगड़ी थी, खबर लीजिए धन बिगड़ा। आप जू जू कुरान समझते जाएंगे इंशाअल्लाह सब तुलु होती जाएगी, अंधेरे रखते सफर बांधते चले जाएंगे। दो लफ्ज, दो लफ्ज कुरान पाक में हम वजन आए हैं, नहीं उसने तो याद दिलाया आप भूल गए, हाँ उसने याद दिलाया आपको कि रसूलुल्लाह ने कौन सा नारा लगाया, तो आप वही नारा लगाएं जो हुजूर ने लगाया, नारा रिसालत, नारा सिद्दीकी, नारा फारूकी, उसके दोनों जहान ख्वार हूं जो रसूलुल्लाह के नाम पे जले, लेकिन उसके भी दोनों जहान ख्वार हूं जो रसूल के नाम पे दुकान चमकाए और मिल्लत को लड़ाए, उसकी कब्र अंधेरी हो, उसका कब्र जहन्नम का गढ़ा बने, जो पैगंबर के नाम पे उम्मत
درود پڑھوگے تو رسول اللہ کی ذات پر، جب نعرہ لگے گا تو اللہ کی ذات کا، کہ رسول اللہ نے یہی نعرہ لگایا تھا۔ آگے بھی لگاؤ نعرہ، سنبھال لیجئے تاکہ بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب ہو سکے۔ میرے عزیز نعرہ غوثیہ بھی اللہ اکبر، جس جس کا نام لیتے چلے جائیں، تمام سنیے، آقا نامدار نے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے، شمع نبوی کے پروانوں نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکاروں نے، اولیاء کرام نے، علماء امت نے، اصناف ملت نے، ان سب نے یہی نعرہ لگایا، اس لیے کہ یہی مرکز ہے امت مصطفی، مرکزیت ہے اسی نعرے میں امت مصطفی کے لیے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج بھی رسول اللہ کے شہروں میں، حضور کی دھرتی میں، سعودی عربیہ میں چلے جاؤ تو یہی نعرہ گونج رہا ہے اللہ اکبر۔ اس لیے اس دوست نے آپ کو یاد دہانی کرائی، میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ دو لفظ قرآن پاک میں ہم وزن آئے ہیں، رب اور اب، رب اور اب، رب کے معنی ہیں پروردگار اور اب کے معنی ہیں باپ، عربی میں اب، فارسی میں اس کو پدر کہتے ہیں، پشتو میں پلار کہتے ہیں جی، سندھی میں پی پی، اچھا اسی طرح پر انگلش میں فادر، پنجابی پیو، ٹھیک ہے نا جی، اور عربی میں اب، رب اور اب، توجہ کیجئے، قرآن پاک میں یہ دو لفظ آئے ہیں ہم وزن، رب کے معنی داتا پروردگار، اب کے معنی باپ۔ غور فرما لیجئے دونوں کے مفہوم میں، دونوں میں شراکت برداشت نہیں، دونوں میں پارٹنرشپ برداشت نہیں، رب میں عرش والوں کو شریک برداشت نہیں، اب میں فرش والوں کو شریک برداشت نہیں۔ سبحان اللہ کہ ہے، چلو جواب ڈھیلا دے رہے ہو تو پوچھ لو کسی سے، کسی وقت نہیں، کسی سے پوچھ لیجئے، کسی استاد سے پوچھئے، آپ کے شاگرد کتنے ہیں، وہ فخریہ کہے گا جی ہزاروں ہیں بادشاہ۔ آپ کسی پیر صاحب سے پوچھئے حضرت آپ کے مرید کتنے ہیں، سینکڑوں ہوں گے تو لاکھوں بتائے گا، یہ ساری دنیا میری مرید ہے، ساری دنیا، آپ بادشاہ پنجاب دے، اسی کنگ آف پنجاب ہاں، گیدڑ جا پڑا تھا بیچارہ دریا میں، تو یہ جو پانی کی مخلوق تھی انہوں نے ایک خشکی والے کو اپنے اندر دیکھا، پوچھا بھائی باہر والوں کا کیا حال ہے، کہنے لگا باہر والے سارے بھیگ گئے، وہ خود جو بھیگ گیا تھا سارے بھیگ گئے۔ آپ کسی بزرگ سے پوچھئے آپ کے بیٹے کتنے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کر کے اپنے بیٹے بیٹوں کی تعداد بتائے گا، ان تمام سوالوں میں کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن اگر آپ کسی نوجوان سے پوچھیں کہ آپ کے باپ کتنے ہیں، بسم اللہ بھی پڑھ لیجئے، دہن بمشک و گلاب دھو لیجئے، تجوید و ترتیل و تفصیل و توتیل کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کسی سے بصد ادب و احترام، انتہائی رقت اور انتہائی نرمی کے ساتھ، کوثر و تسنیم میں دھلے ہوئے لہجے کے ساتھ اگر آپ پوچھیں کہ برخوردار آپ کے باپ کتنے ہیں، یقین کیجئے اگر فرنٹیئر میں یہ سوال کیا جائے تو وہ جواب گولی سے دیں گے۔
कि हमसे बाप पूछता है कितने, हाँ बाप तो एक ही होता है। मेरे अजीज दोस्तों, पुराने पाक से पूछिए, पुराने पाक से आप पूछिए अंबिया कितने हैं, सिद्दीकीन और सुहादा कितने हैं, सालहीन कितने हैं, औलिया कितने हैं, पुराने पाक जवाब देता चला जाएगा। लेकिन जब आप पुराने पाक से पूछे कि इंसानी जमीन की नियाजमंदियों के लायक हर जगह मौजूद मुश्किलात में काम आने वाला दस्तगीरी करने वाला वो कितने हैं, तो कुरान गरज गरज के कहेगा कि तेरे बाप के सिवा अब भी कोई नहीं और उस अकेले के सिवा रब भी कोई नहीं। नजर जिस्मानी हलालियों का बाप भी है और नजरियाती और अकीदे के हलालियों के लिए मस्जूद भी एक। इसलिए सैयदना हजरत ईसा आला नबीना व अलैहि तस्लीम ने फरमाया, नहीं वो मैदान हश्र में रब कायनात फरमा रहे हैं कि आलम बरज़ख में मैंने तुमसे वादा ले लिया था ना कि जब दुनिया में जाओगे तो मेरे सिवा किसी और को रब नहीं करना। अल्लाह ताबूद शैतान, ये इबलीस को अपना लीडर न बनाना। इन्नहू लकुम अदूब मुबीन, वो तुम्हारा वादे दुश्मन। वानी बुदूनी, मेरी ही इबादत करना, मुझे ही हर जगह मौजूद मानना, मुश्किलात में मुझे ही पुकारना। वानी बुदूनी, हाजा सिरा तुम मुस्तकीम, यही सिरा तो मुस्तकीम है कि मेरे सिवा किसी के सामने जबीन नियाज न झुकाना। मेरे अजीज दोस्तों, रब कायनात ने अपने महबूब से कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमने तेरे जिम्मे यही फरीजा लगा दिया कि लतहदी इला सिरात मुस्तकीम, तू इंसानों को सिरात मुस्तकीम पर लगाते रहो। क्या मतलब? यकजाई बनाते रहो इंसानों को, यकजाई बनाते रहो ताकि कोई हरजाई न बने। ये मुझे सजदा तो करते हैं लेकिन मुझे भी करते हैं, तो इनको ऐसा यकजाई कर दे कि फिर मुझे ही सजदा करें। ये पुकारते तो हैं मुझे लेकिन मुझे भी पुकारते हैं, मेरे महबूब तो इन्हें इतना गयूर बना दे कि फिर मुझे ही पुकारा करें। और ये वो प्रोग्राम है पुराने पाक जो है ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के मौकफ का खुलासा कुरान पाक में हक तआला ने वाजे कर दिया कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम यही मिशन लेके आए कि वो इंसान को यकजाई बना दे। फमा वलकद अरसलना नूहन इला कौमी, हमने नूह को उनकी कौम की तरफ हादी बना के भेजा, अपना नुमाइंदा बना के भेजा। فقال يا قوم لكم نذير مبين, अपनी कौम को पुकारते हुए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए खुला डरावा लाया हूं, वाज़े तंबीह लाया हूं। तो डरावा लाए हैं आप, तंबीह लाए हैं, फिर क्या हुक्म है, क्या चाहते हैं आप? फरमाया अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह,
ये नहीं चाहता हूं कि जुमरात का महल बना के लाया करो, ये नहीं चाहता हूं कि नजराने पेश किया करो, ये नहीं चाहता हूं कि मेरे आबा अजदाद की कब्रों पे चादरें चढ़ाया करो। क्या चाहता हूं? अल्लाह ताबुदू चादरें चढ़ाया करो। क्या चाहता हूं? अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह के इबादत में खुदा के साथ किसी और को शरीक न बनाओ, हर जाई और यक जाई बन जाओ। सुना आपने चाकीवाड़ा के दोस्तों? अगर आप इजाजत दें तो एक अर्ज कर दूं, नाराज तो होंगे फिर मेरे यार, क्योंकि जहां उनके मैदे पे लात पड़ी वहीं बिगड़ गए। खुदा की कसम, अल्लाह की जलालत की कसम, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी एक भी पैगंबर ने अपने बुजुर्गों या किसी नबी बेटे ने अपने नबी बाप की कब्र पे चादर नहीं डाली, चादर नहीं डाली। मैं अपने इन दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा अगर ये किसी छोटी सी किताब की कोई ज़ईफ सी रिवायत मुझे दिखा दें, बशर्ते कि अब न लिख डाले कोई, पहली किताबों में से, कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र पे हुजूर अलैहिस्सलाम ने चादर डाली हो, या अपने वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला की कब्र पे चादर डाली हो, या हजरत आमना की अपनी वालिद गिरामी की कब्र पे चादर डाली हो। अजीज कारोबारी कमजोरी है, लेकिन आपके लिए बात कहता हूं, मेरा आका मरने वालों की कब्रों पे चादरें डालने नहीं आया था, मेरा आका तो इंसानियत की दुख्तर के सर से उतरे हुए दुबट्टों को संभालने आया था। चादरें डाली है हुजूर ने, लेकिन कब्रों पर नहीं, इंसान की बेटी के सर पे डाली। और ये क्या कहते हैं? ये कहते बादशाह आखिर बुजुर्गों से मोहब्बत होनी चाहिए ना, तो कैसी मोहब्बत जी, बस नई नई चादरें लाओ, तुम डालते जाओ हम वसूल करते जाए। महकमा औकाफ से माजरत के साथ। और इस दौर में फरमाया अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, ये किसका पैगाम है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। अब बताओ कौम राजी हुई या नाराज? नाराज। वो जो बड़े बड़े थे ना कौम के, बड़े बड़े कहते हैं ला तजरुन आलिहतकुम वला तजरुन वद्दहु वला सुवा वला यगूस व यऊक व नसरा। बड़े बड़े वो कहते फिरते थे इसकी बात न मानना, इसकी बात न मानना। क्यों जी? इसलिए कि यह बुजुर्गों का मुखालिफ है। देखो जी, पर पांच पांच पीर थे उस जमाने के मुशरकों के, वद, सुवा, यऊस, यऊक और नस्ल, ये पांच पीर थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाना के, हरजाइयों के पांच थी, पांच थे। वो कहते थे इसकी बात न मानना, ये तो आस्तानों से तुम्हें हटाता है। वो मुजावर, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाना के मुजावर, वो कहते थे कि ये तुम्हें बुजुर्गों से दूर करता है, हर किसी इसकी बात न मानना। नाराज हुए, बिगड़े, गालियां दी। ये मुशरकों की पुरानी आदत है गालियां देना, और इसलिए कि गालियां तो हमेशा वही दिया करते हैं ना जो गालियों की पैदावार हूं, जो गाली की पैदावार हूं गाली ही दिया करते हैं। उनसे आप क्या तवक्को रखते हैं कि वो शरीफाना लहजे में बात करेंगे, वो इंसानी लहजे में बात करेंगे।
हर बर्तन से वही कुछ निकलता है जो उसमें होता है। गटर का ढक्कन उतार दो तो बदबू निकलेगी ना, और अगर कस्तूरिया का ढक्कन उतार कस्तूरी की डबिया का ढक्कन उतार दो तो उसमें से महक आएगी। इसलिए गालियां नहीं, कुरान की बात करो। कौन नाराज हुई हजरत नूह अलैहिस्सलाम से या खुश हुई? कांटे बिछाए रास्तों में कि नहीं? बच्चों को पकड़ के लाते थे और कहते इसकी बात न मानो, परले दर्जे का वाबी है, बुजुर्गों का दुश्मन है, न मानना इसकी बात। फिर एक मरहला आया, जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने रब्बुल इज्जत के हुजूर इल्तिजा की, मेरे दाता दाऊद कौमी लैल व नहार, मैंने तेरी बात पहुंचाने में दिन रात एक कर दी, फलम यज़िदुहुम दुआई इल्ला फिरारा, लेकिन नहीं मानते ये संग दिन, रास्ते पर नहीं आते बदबख्त, रच बस गया है इनके रग रग में, आस्ताना परस्ती का जौक। बात फिर तवील हो जाएगी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के मुतालिक रब्बुल आलमीन ने इत्तला दी, वइला मदयन अखाहुम शुहैबा, हमने मदयन की तरफ उनका कौमी भाई शुएब नबी बना के भेजा। फकाल या कौम अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, बिल्कुल वही बात जो पहले अंबिया कहते रहे, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की जुबान पे भी वही चले आए कि या कौम ओ मेरी कौम अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारा मस्जूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई हर जगह मौजूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मुश्किलें हल करने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई दस्तगीरी करने वाला नहीं। वैलादिन अखाहुम हूदा, और रब कायनात ने फरमाया हमने आहाद की तरफ उनका कौमी भाई हजरत हूद नबी बना के भेजा। अखाहुम, कराची के मजलूमों, ये बड़ा अजीब उसलूब है कुरान पाक का कि बार बार इस लफ्ज को इस्तेमाल किया गया है, दोहराया है, तकरार है। अखाहुम वैला आदिन अखाहुम हूदा, वैला समूद अखाहुम सालिहा, वैला मदियन अखाहुम शुएबा, यानी हमने फला कौम की तरफ उनका भाई शुएब भेजा, फला कौम की तरफ उनका भाई हूद भेजा, फला कौम की तरफ उनका भाई सालिह भेजा। यानी क्या मतलब, यानी उस जमाना में अगर तमसीला नर्क करता हूं कि पठान कौम की तरफ अल्लाह ने कोई नबी बना के भेजा तो पठानों में से, बलोच कौम की तरफ कोई नबी बना के भेजा तो बलोचों में से, ताकि वो अजनबीयत महसूस न करें, वो ये न कहें कि आप तो हम में से हैं ही नहीं तो आप हमारे मसाइल को कैसे हल करेंगे। अखाहुम, अल्लाह ने अपने नबियों को कौम का भाई कहा, कहा ना अखाहुम के माने यही हुए ना, उनका भाई, तो तौहीन तो नहीं हो गई पैगंबरों की, अल्लाह के नबियों की तौहीन तो नहीं हो गई। बाज हजरात लफ्ज भाई से शदीद अलर्जिक हैं, करंट लगता है उन्हें जब, तो जब देखो जी नबी को बड़ा भाई कह दिया, हालांकि ये इस्तेलाह सबसे पहले कुरान पाक ने अल्लाह ने इस्तेमाल की है अपने पैगंबरों के बारे में। तो मालूम हुआ कि अगर किसी नबी को कौम का भाई कहा जाए तो तौहीन नहीं होती बल्कि कुरान के उसलूब के मुताबिक बात होती है। वइला आदिन अखाहुम हूदा قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. حضرت صالح علیہ السلام نے بھی وہی بات کہی اپنی قوم سے کہ عبادت میں، سجدے میں، عاجزی میں، پکار میں، ندا میں خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک مت بناؤ، تمہارا مسجود اللہ ہی، اب بولتے جاؤ ذرا، تمہارا مسجود ہر جگہ موجود، مشکل کشا اللہ ہی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی مشن لے کے آئے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آپ انسانیت کو یکجائی کر دیں، صراط مستقیم پر لے آئیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے محبوبم. اور میرے آقا نے مدرسہ کھولا اور انسانیت کو جو سبق دیا تو وہ یہی تھا کہ اس کے حقوق میں کسی اور کو شریک نہ بناؤ. فزیکلی آپ جب تعلیمات مستفی کو عملاً دیکھنا چاہیں گے تو اس کے لیے صحابہ کا کردار سامنے رکھنا ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین محمدی مکتب کے عملی نمونے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیمات نے جو انسان تیار کی ہے وہ صحابہ کرام ہیں. انہوں نے رسول کی تعلیمات کو عملاً دنیا کے سامنے پیش کیا. حضور نے صدق کا سبق دیا تو صدیق اکبر اس کا نقیب بن کے آیا. کملی والے نے عدل کا سبق دیا تو فاروق اعظم اس کا عملی نقیب بن کے آیا. پیغمبر اقدس نے حیا اور شرافت کا سبق دیا تو عثمان غنی اس کے نقیب بن کے آئے. اور حضور نے زہد و تقویٰ کا سبق دیا تو حضرت علی المرتضی زہد و تقویٰ کے عملی نقیب بن کے آئے. پیغمبر نے شجاعت کا سبق سکھایا تو جناب خالد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق یعنی شجاعت کے عملی نقیب بن کے آئے. یہ صحابہ کرام جو ہیں، حضور اکرم نے تدبر کا سبق دیا تو حضرت معاویہ رسول اکرم کے اس سبق کے نقیب بن کے آئے. کملی والے نے وفاؤں کا سبق دیا تو حضرت طلحہ و زبیر رسول کے اس سبق کے عملی ترجمان بن کے آئے. آج جس طرح آپ نے بعض طلباء کے سروں پر دستار فضیلت باندھتے ہوئے بزرگوں کو دیکھا ہے، محمدی مکتب کے فیض یافتہ شاگردوں کو بھی اللہ نے سندیں عطا کی ہے فراغت کی. وہ خوش نصیب طلباء جن کا مدرسہ بیت اللہ جیسا، جن کا استاد محمد الرسول اللہ جیسا، جن کا نصاب تعلیم کلام اللہ جیسا، لاڈلی کاروں کا بنایا ہوا نہیں، صدیق و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، خالد و معاویہ نے جس مکتب سے علم حاصل کیا، فیض حاصل کیا، اس کا نصاب تعلیم ہے کلام اللہ. اور جن کا ممتحن خود اللہ رب کائنات نے فرمایا، اولئک الذین لم تحن اللہ قلوبہم، جن انسانوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کی ان کا امتحان بھی خود اللہ نے لیا. خدا بندہ ادارہ بیت اللہ جیسا، استاد محمد الرسول اللہ جیسا، نصاب کلام اللہ جیسا، اور جماعت حزب اللہ جیسی، ممتحن خود تو. تو اب ذرا بتائیے کہ امتحان کس چیز کا لیا؟ فرمایا قلوبہم، ان کے دلوں کو ٹٹولا گیا، اور دلوں میں سے بھی تقویٰ کے نازک مضمون کا امتحان لیا حق تعالی نے. اور پھر یہ اس کا کرم ہے، بے پایا فضل ہے کہ رسول کے غلاموں کے نتائج کو بھی دنیا میں قرآن کے ورقوں پہ حق تعالی نے واضح کر دیا. کہیں فرمایا اولئکہم الراشدون، کہیں فرمایا اولئکہم الفائزون، کہیں فرمایا اولئکہم المؤمنون حقا، کہیں فرمایا اولئکہم المفلحون.
कहीं उनके ईमान को मैयार हद पर सदाकत करार देते हुए फरमाया आमनू कमा आमन अन्नास, अगर तुमने ईमान लाना है तो सिद्दीक उमर की तरह लाओ, अगर रसूल की गुलामी अपनानी है तो तलहा जुबैर की तरह अपनाओ, अगर तुमने मुझसे ताल्लुक कायम करना है तो खालिद मुआविया की तरह करो। मेयार करार दिया अल्लाह ने इस जमात को। और मोहम्मदी होने का सबूत क्या है? जो यकजाई है वो मोहम्मदी है, और जो हरजाई है उसे रसूल के मकतब से कोई निस्बत नहीं। अल्लाह ताला जजाए खैर अता करे उलमाए देवबंद को। मैं तो कहा करता हूं अपने दोस्तों से जो गालियां देकर अपने जज्बा हसब की तस्कीन करते हैं बेचारे, कि मुकाबला करना है तो इनकी तरह इखलास अपनाओ। सैयद तारिया साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को गाली देने से बात नहीं बनेगी माय डियर। अगर आपने मुकाबला करना है तो अताउल्लाह शाह बुखारी का दिल गुर्दा लाइए, उसकी तरह राह हक में इस्तकामत का मुजाहरा कीजिए। कि बुखारी हथकड़ियों की आवाज सुनता था तो उसका सर ऊंचा हो जाता था, और बुखारी को गालियां देने वाले हथकड़ी की आवाज सुन ले तो 2 किलो फुजला खारिज हो जाए बेचारों का। मौलाना मोहम्मद इलियास दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का मुकाबला गालियों से नहीं होगा। तबलीगी जमात को गालियां देने से फतवे लगाने से आपका क्या ख्याल है कि कौन आपके फतवों पे बैठी है? 150 आदमी सामने होता है, मौलवी साहब का पसीना बहता है और इरशाद होता है जो मैं कह रहा हूं वही सारी कौम मान लेगी। नहीं मौलाना, आप धुतकारी हुई शय हैं, आपको पता नहीं है कि आपकी कोई हैसियत नहीं इस माशरे में। लोग अब इतने अंधे नहीं रहे, लोग इतने पागल नहीं रहे कि वह आपकी फतवाबाजी पर ईमान ले आए। लोग देखते हैं कि तबलीगी जमात के उन मुजाहिदीन जो अपने घरों को, अपने बच्चों को, अपने जरूरियात को खैरबाद कहकर अल्लाह के दीन के लिए सफर करते हैं, सैकड़ों हजारों मील का बिस्तर उठाए हुए किसी से कुछ लेना गवारा नहीं करते, इनको हम काफिर मान लें? आखिर कौन सा कसूर किया इन्होंने? मुकाबला करना है तो मोहम्मद इलियास दहलवी रहमतुल्लाह ताला के रजाकारों पर फतवा लगाने से मुकाबला नहीं होगा, इनकी तरह इखलास पैदा कीजिए। रायबंद में एक कॉन्फ्रेंस की थी, इंशाअल्लाह फिर कयामत तक नहीं करेंगे। और मजलिस तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अहले सुन्नत व जमात मिनिस्टर पार्क में एक कोशिश की है, अब इंशाअल्लाह हम अगर बहुत जल्दी न हो सका तो साल में एक मर्तबा कम अज कम हम, मेरे कराची के अमीर मोहतरम मौजूद हैं, उन्होंने मुझे ये बताया है कि इंशाअल्लाह हम इस प्रोग्राम को सालाना बनाकर सहाबा किराम की अजमत का परचम लहराएंगे। कल भी इंशाअल्लाह मकाम सहाबा कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें खुल के बातें होंगी सहाबा किराम के मुतालिक। मैं जांच कर रहा हूं कि मुकाबला यूं कीजिए कि उनकी तरह इखलास पैदा कीजिए। हाँ जी, जिस तरह उठाइए, लोगों के दरों पे आइए, उनको दीन के मसले समझाइए। आप जो कौम से मिलाद अकबरी पढ़ाना चाहते हैं, कौम पागल हो गई है कि आपकी बात माने? इसलिए कि चूंकि आपकी सुर अच्छी है, आप चूंकि गला बड़ा आपने गजब का पाया है, इसलिए आप जो गा गा के कहते जाए कौम उसको कुरान के सिपारे समझती जाए? नहीं मौलाना, नहीं। कौम आपसे पूछती है कि आप जो नया दरूद घर के लाए हैं ये मदीना मुनव्वरा में क्यों नहीं पढ़ा जाता? हमारा मरकज तो मदीना तैयबा। मैं आप ये गलत कह रहा हूं भाई, जो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गली कूचों से निस्बत नहीं रखती वो बात हमारे लिए मेयार हो सकती है? हमारे लिए कसौटी हुक्म रसूल और अमल सहाबा है। बस वही मसला चलेगा जिस पे मोहर लगी हुई होगी रसूलुल्लाह के हुक्म की और सहाबा किराम के अमल की। तो आप ये जो कुछ लिए फिरते हैं, न ये मक्का में नजर आता है, न ये मदीना तैयबा में मिलता है, न ये मस्जिद नबवी के आइम्मा इसकी तौसीक करते हैं, न हरम शरीफ के आइम्मा इसकी तौसीक करते हैं, तो इसका जवाब मौलाना देते हैं कि वो तो बेदीन है, वो तो हुजूर के दुश्मन है, गुस्ताख है, वो तो सब वहाबी है। वाह मौलाना,
इससे तो बात नहीं बनेगी। आपने जिसको अपना भाई बनाया है उसने भी यही कहा, ये भाई भाई का नारा लगाया गया, और पिछले दिन वो खलखाली आया तो उसको पता है कहां जगह मिली, बोटन की वो जो मस्जिद है, क्या नाम है उसका, वहां जगह मिली। उसने वहां पर खैर से अपने भाईचारे का मुजाहरा किया, वो भी यही कहता है कि मस्जिद नबवी के इमाम सच्चे नहीं थे माजी के, और आज तुमने भी वही क्यों अपनाई कि जो आज इमाम है वो सच्चे नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है कि आपकी इस फतवाबाजी से रसूलुल्लाह के उम्मती मस्जिद नबवी के इमामों को गुमराह मान लेंगे? कोई है मानने के लिए तैयार? इसलिए कि मौलवी साहब का गला बड़ा अच्छा है, चूंकि मौलवी साहब जब मिलाद अकबरी पढ़ते हैं सुबहान अल्लाह जैसे सूरह यूसुफ पढ़ रहे हैं, नाते मिलाद अकबरी ये सैफुल मुलूक उधर पंजाब में, तो ये सब कुछ मौलाना ये नाते पढ़िए और सब कुछ कीजिए, मगर दीन वही है, दीन वही है जिस पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म और सहाबा के अमल की तौसीक हो। आपके फतवे लगाने से बात नहीं बनेगी। मौलाना गुलामुल्लाह खान मरहूम, अल्लाह उनको अपने जवार रहमत में जगा दे, उसको गालियां देते, इनका ख्याल यह है कि कौम बस हमारी बात मान लेगी, जिस तरह हम कहेंगे वो उसी तरह कौम चली आएगी। कौम को याद नहीं है कि मौलाना शेखुल कुरान गुलामुल्लाह कौन है, जिसके सामने 20,000 अफराद बैठकर कुरान के आरिफ बन गए, मामूली आदमी है वो, जिसने पूरी दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मफहूम बयान किया। हजरत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह साहब। अब आप देखिए ना साहब, कोई कहे कि इरशाद होता है, एक बाजार का लिफंगा एक उचक्का आता है, वो कहता है कि मौलाना का चेहरा बदल गया जी, मैं उन्हें दावत फिक्र देता हूं कि क्या इसका कोई जवाब दे सकोगे? अगर कोई तुम्हारी तरह के जौक का आदमी यह कहे कि मौलाना अहमद रजा खान साहब का चेहरा बदल गया था, क्या जवाब दोगे? गाली का जवाब गाली हो जाएगी ना, लेकिन मैंने तो मौलाना कहा है, मौलाना अहमद रजा। कोई तुम्हारे बुजुर्गों के मुतालिक यही लहजा इख्तियार करे तो यह तो कोई बात न हुई। शेखुल कुरान मरहूम का चेहरा, अगर कुरान पढ़ने वालों का चेहरा बिगड़ जाता है तो मेरा ख्याल है फिर स्मगलरों का चेहरा रोशन होता होगा। हाँ जी, सत्ताबाज जुएबाज और बदमाशों के चेहरे रोशन होते होंगे। मौलाना गुलामुल्लाह खान मरहूम आखिरी सफर दियार हबीब का, मुझे जो उनका आखिरी खत मिला है जो 5 मई को उन्होंने लिखा है, खत में लिखा है कि मैं इस वक्त बाब जिब्राइल के सामने बैठकर मस्जिद नबवी में आपको खत लिख रहा हूं। आखिरी खत उनका मदीना तैयबा से आया। फिर दुबई पहुंचे, जलसे में मौजूद थे, एक शख्स कुरान पढ़ रहा था और शेख कुरान कुरान बयान करने का मुंतजिर बैठा है, और इसी लम्हे में अल्लाह ने बुला लिया। मैंने हदीस रसूल में देखा है कि इस दुनिया से जो शख्स जिस कैफियत में जाएगा हश्र में उसी कैफियत में उठाया जाएगा, मुजाहिद सर बकफ आएगा, शमशीर बकफ आएगा, आबिद इन सजदों की लज्जत से उठेगा, कारी कुरान पढ़ता हुआ आएगा, शहीद खून शहादत से गुलगु कबा आएगा, आलम इल्म की गोया के रोशनी में उठेगा, साहिब जोहद तकवा के सवेरों में आएगा। तो मौलाना वो खुश नसीब है कि ये कुरान के तरानों में उठेंगे, इसलिए कि जब इन्होंने इस दुनिया से सफर किया तो कुरान पढ़ा जा रहा था। गालियां देने से मौलाना बात नहीं बनेगी। हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इरशाद होता है कि खुदा ने अपने घर पे आने न दिया, कराची से ही वापस बुला लिया। मौलाना को पता नहीं कि मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दर्जनों हज किए थे, जब पिछले साल हरम शरीफ में मताफ में मुलाकात हुई रुकन यमानी के सामने, तो एहराम की हालत में बैठे थे, उठे मिले, इतना महबूब लग रहा था वो शख्स एहराम की हालत में, और उसकी हालत यह थी कि जैसे अपने दाता के सामने कोई अच्छा गदागर मौजूद हो, अच्छा मंगता। मैंने मुस्ताफ से पूछा, यह आप तक जो है कौन सा हज है, कितने हज किए हैं आपने? तो फरमान लगे, मौलाना मैं यार के दर पे हाजिरी देता हूं, गिनता नहीं हूं।
اور اطلاع عرض مولانا گالی سے نہیں بلکہ انسانی لہجے سے عرض کر دوں کہ اس شخص کی خوش نصیبی پوچھتے ہیں آپ جس کی زندگی کا آخری رمضان مبارک مسجد نبوی میں اعتکاف میں گزرا ہے. اور آپ نے یہ بھی ارشاد رسول پڑھا ہوگا, اگر کبھی آپ کو میلاد اکبری اور سیف الملوک سے فرصت ملی ہے اور گالیاں دینے سے فرصت ملی ہے تو کبھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کے سفر میں اللہ کو پیارا ہو جائے قیامت تک جتنے حج آئیں گے ہر حج کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا چلا جاتا ہے اور قبر میں وہ پہنچتا رہے گا. تو وہ خوش نصیب ہے کہ قیامت تک جتنے حج آئیں گے ان کا ثواب اس کو ملتا چلا جائے گا. صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں نے حج کر دی گالیوں کی, لیکن مجھے بتائیے کہ صدیق عمر کی حضرت میں کوئی فرق ہے؟ وہ اتنے خوش نصیب ہیں جب پہلو نبوت میں ڈیرے لگائے پڑے انہیں حضور کے قدموں میں جگہ مل گئی اور حسرت کرنے والے گالیاں دیتے پھرتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. شیخین کریمین کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا, انہوں نے ایسی جگہ ڈیرے لگائے ہیں کہ کوئی انہیں وہاں سے ہٹا نہیں سکتا. علماء دیوبند کی اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرمائے, ان سے بھی خدا نے اتنا کام لے لیا, کوئی جواب تو لاؤ اشرف علی تھانوی کا, ڈھونڈ کر دکھاؤ مجھے کہیں انور شاہ کاشمیری جیسا محدث. اچھا مولانا عزیز صاحب بتا رہے ہیں کہ ایک نقلی بہشتی زیور بھی بنائی انہوں نے, بہت اچھے مولانا بہت اچھے. میں کہتا ہوں آپ نقلی نہ بنائیں, اس طرح کا آپ دینی مسائل سلیم زبان میں دینی مسائل کا مجموعہ جیسے کہ بہشت زیور ہے کوئی آپ تصنیف کر دے, ہم آپ کو دعا گو ہوں گے, آپ کے لیے ہم اللہ کے حضور دعائیں کریں گے کہ خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کی تصنیف بہشتی زیور آپ صرف برے صغیر میں نہیں پوری دنیا میں جہاں مسلمان بستے ہیں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا بہشتی زیور ہر مسلمان کے گھر میں نظر آتا ہے. یہ معمولی خدمت ہے, ڈھونڈ کر دکھائیے مفتی کفایت اللہ جیسا فقیر, کہیں سے لا کے دکھائیے مولانا عبدالقادر راہپوری حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگان دین اولیاء کرام. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو شاہ رکن عالم ہوں, یا حضرت مجدد الفانی ہوں, یا حضرت معین الدین چشتی ہوں رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ سارے ہمارے بزرگ ہیں اس لیے کہ وہ یکجائی تھے. انہیں ہرجائیوں سے کیا نسبت, نہ وہ ہرجائی تھے نہ ہرجائیوں سے ان سے کوئی نسبت ہو سکتی ہے انہیں. تو مقابلہ یوں کیجئے, مولانا عبدالباقی کا مقابلہ کرنا ہے تو ان کی طرح انوار الاسلام کی طرح محنت کیجئے, اور جیسے ان کے ادارے سے ہزاروں طلباء فارغ ہوئے ہیں اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ نسل انسانی کا سینہ قرآن کے انوار سے منور کیجئے. اس طرح مقابلہ ہوا کرتا ہے. گالی گلوچ یہ غیر انسانی حرکت ہے, غیر انسانی حرکت ہے, یہ شریف لوگوں کا شیوا نہیں ہوتا. تو میں یاد کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان درویشوں سے یہ کام لیا کہ حدیث رسول کو بیان کرنے میں, قرآن پاک کو واضح کرنے میں, گرد کے فن میں یا فرق باطل کے مقابلے میں قیادت کے مرحلے میں ہر موڑ پر اللہ نے ان درویشوں سے وہ کام لیا ہے کہ جو تاریخ کا تابناک حصہ بن چکا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس راستے پر استقامت عطا فرمائے.